hey My dear lovely viewers, how are you all, guys? Then, okay, so you observe and welcome back to my channel. Love is life 2.0. Then, I'm my lady doctor. So, guys, my lady doctor last part. Uh, uh, we start concept, but बहुत ठंड का मौसम कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है क्यों आप लोग है जरूर कमेंट में बताइएगा मैं तो भाई अपने रूम से निकलने का भी मन नहीं करता यार इतना ठंड है सो गाइस ज्यादा ठंड की बातें ना करते हैं ठीक है ना चलो स्टोरी की साइड चलते हैं स्टोरी की लास्ट पार्ट में आपने सुनाया था कि हमारी जो डॉक्टर रहती है और ऑफिसर ये दोनों पहुंच जाते हैं गैंगस्टर के अंदर मतलब उनके एक पैलेस में पहुंच जाते हैं जहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं ना जिनको इन्होंने पकड़ा है उनमें से वो सौरभ को भी देख पाते हैं देन सौरभ का बहुत बुरी तरीके से मतलब बहुत गंदा वाला हाल था उसके पूरे फेस से ब्लड निकल रहा था और देन उसके साथ जो दो बंदे थे ना सैम और क्या तो रॉबर्ट और हॉबर्ट जो भी थे उनका जो भी था नाम मे को याद नहीं है तो उनका भी बहुत बुरा तरीके से मतलब हाल कर दिया था जिसके वजह से वो दोनों का तो पूरा हालत खराब ही था जब उसके बॉस उसके साइड देखते हैं ना तो उनकी तो पूरी समझो काया ही पलट जा रही होती है पलट पलट के पलट ही गई थी तो जो सौरभ रहता है वो कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि उसके उसके मुंह पे मतलब पट्टी बांध रखी गई थी जिसकी वजह से वो ठीक से बात नहीं कर पा रहा था बस वो बाद में करूंगा अभी तो मैं आया हूँ थोड़ा इंजॉय कर लू फिर इन... इनकी मौत तो मेरे यहाँ तो लिखी है तो पार्टी के बीच क्यों ना इनको मारा जाए ताकि यहाँ पे आते ही मेरे हाथ खून से रंग जाए जस्ट कि मुझे ब्लड से स्वागत किया जाए ऐसे के जो गैंगस्टर था ना एक क्रेजी से स्माइल देता है देन हमारी कशिश और अनाया दोनों ये सारी बातें सुन रहे थे और कसिस का तो बहुत ज़्यादा गुस्से से बेहाल हो रहा था और अनाया उसको टाइटली पकड़ के होल्ड की थी और उसे दीवार लगा करके उसे टाइटली पीछे से उसे बैक हक करके उसे रोकी थी क्योंकि यार उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से सौरभ को भी मारा था देन उसके जितने भी लोग थे ना जिन्होंने उसको इस गैंगस्टर के बारे में बताया था उनका भी उन्होंने बहुत बहुं गंदे तरीके से बुरा हाल कर दिया था जिसकी वजह से ऑफिसर कसेस बहुत गुस्से में थी तो जो बंदा रहता है वो बोलता है ठीक है इन सभी को ले जाओ रूम पे बंद कर दो तो वो बंदा जो रहता है उसके साथ का वो बंदा ले जाता है इन तीनों को एक रूम पे रूम पे जाकर इनको अच्छे से मतलब बांध देता है और डोर को अंदर से और बाहर से दोनों साइड से लॉक कर देता है आई I मीन mean, अंदर एक बंदा था एंड बाहर एक बंदा था ओके तो दोनों साइड से लॉक किया जाता है देन जो सौरभ था ना वो गुस्से से उस बंदे की साइड देख रहा था जो कि अंदर था इन दोन, इन तीनों का पहरा देते हुए दूसरे साइड जो मास्टर था जो मास्टर माइंड आई मीन गैंगस्टर वो बंदा आ के वहाँ पे मतलब आराम से बैठा था उसी टाइम जो एक लड़की थी जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था जिसके गले में पट्टा था जी डॉगी का उसको खींचता है और अपने पास अपने पैरों के नीचे लाता है और जिसकी वजह से वो लड़की जो रहती है ना पूरे तरीके से नीचे गिर जाता है सॉरी गिर जाती है तो जो बंदर रहता है उसके सर पे उसके बैक साइड जो रहता है वहाँ पे वो पैर रख लेता है और उसे मसलते हुए बोलता है मुझे पता है इन लोगों ने मुँह खोला है मतलब यहाँ पे कुछ टाइम के बाद ही वो लोग आ जाएंगे तो सामने से एक बंदा बोलता है बहुत से आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे भी इनको इस जगह का मतलब इस पैलेस का तो कुछ पता ही नहीं है तो ये उनको क्या ही बताएंगे ऐसे बोल के बंदा जो है स्माइल करने लगता है ऑफिसर फीसर कशिश तो गुस्से से उसका बुरा हाल था देन जब वो होश में आती है तो अनाया उसके बहुत क्लोज थी जिसकी वजह से ऑफिसर कशिश का जो हार्ट बीट था ना बहुत ज़्यादा तेज हो गया था तो डॉक्टर अनाया जो है उनको संभालती है उनको हर चीज़ बताती है देन इसी बीच डॉक्टर अनाया बोलती है हमें शायद फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर हम दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो ऑफिसर कशिश जो है अपना सर हाम ही लाती है और इन्फॉर्म करती है हमारी डॉक्टर मलिस्का के पास डॉक्टर मलिस्का के पास जब ये मैसेज जाता है ना तो वो सीधा अपनी चीफ मतलब मिस्टर राठौर के पास ले जाती है और ये सारी डिटेल्स उसको बताती है देन जो लाइव लोकेशन हमारी डॉक्टर अनाया उप उर्फ हमारे ऑफिसर कशिश ने दोनों ने मिलकर भेजा था उस एड्रेस पे वो लोग जाने के लिए निकल जाते हैं देन इधर डॉक्टर अनाया ऑफिसर कशिश दोनों का प्लान ये था कि वो पहले सौरभ और जिन्होंने उनको पूरा डिटेल दिया था उनको पहले छुड़वा लें फिर उसके बाद उस लड़की का जो भी कर रहे हैं कर लेंगे लेकिन पहले वो कर लें ऐसे बोल के ये दोनों जो हैं उस कमरे की साइड पर जाते हैं जहाँ पे सौरभ और वो दो बंदे कैद थे वहां पे जाते हैं तो देखते हैं कि एक सा आदमी मतलब बॉडी बिल्डर यार बड़ा हट्टा कट्टा जैसा इंसान वहाँ पे खड़ा होकर वहां पे पहरा दे रहा था जिसको देखकर ऑफिसर कशिश तो हैरान ही थी डॉक्टर अनाया बोलती है अरे यहाँ क्या हो रहा है तो ऑफिसर कशिश बोलती है दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है तो बोलती है हाँ बट इसको हम कैसे सर पास करें तो ऑफिसर कशिश बोलती है आई डोंट नो इस टाइम ऑफिसर कशिश बिल्कुल भी ठंडा थी जिस आवाज़ में वो बात की थी ना वो भी एकदम ठंडे तरीके से मतलब नॉर्मल तरीके से बात की थी तो डॉक्टर अनाया का तो मतलब समझ नहीं आ रहा था ये जिस तरीके से मुझसे बात करें इसका मतलब क्या है क्या ये इनसे फाइट करने वाली है ऐसे बोल के डॉक्टर अनाया तो खुद कंफ्यूज थी वो क्या ही कुछ कह सकती थी और ऑफिसर कशिश जो है चुपके चुपके पहलवान के आई मीन बॉडी बिल्डर के पीछे चली जाती है उसके पीछे जाते ही वो हाथ जस्ट उठाती ही है कि वो बंदे की नज़र उसकी आहट मतलब हमारी ऑफिसर कशिश की आहट वो बंदा सुन लेता है जिसके वजह वो पैक मुड़ कर देखता है तो सामने ऑफिसर कशिश थी ऑफिसर कशिश बिना देर किए उसके नेक पर एक जोरदार वार करती है जिसकी वजह से वो

फ्लैट ही हो जाती हैं और बोलती है हाँ चलो उसके बाद उसके पास से जो की था उसे निकालते हैं और अंदर जाते हैं अंदर जाके नॉक नॉक करते हैं तो वो बंदा समझ जाता है कि शायद कोई आ रहा है या शायद बॉस होगा ऐसे बोल के वो डोर ओपन करता है डोर ओपन करके वो झुक जाता है जस्ट कि कि उसे लगा था बॉस ही हो सकते है और कोई तो नहीं होगा अगर कोई और होता तो शायद वो कहीं और से आ जाता लेकिन ये सामने से आ रहा है मतलब बॉस होगा ये वो सोच कर वो नीचे झुक जाता है लेकिन उसे क्या पता सामने डॉक्टर अनाए और हमारी ऑफिसर कशिश थी ऑफिसर कशिश जो है वो डोर अंदर से लॉक करती है और उसको जोर से उसके नेक के पास फिर से वार करती है जिसकी वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है ये चीज़ देखकर डॉक्टर नया बोलती है नेक्स्ट टाइम मैं भी ट्राई करूंगी तो ऑफिसर कसी से बोलती है इस टाइम हमें कोई मस्ती मजाक नहीं करना है इस टाइम हमें सीरियसली सीरियसली इस चीज़ को करना है तो डॉक्टर अनाया बोलती है मैंने क्या मतलब वो किया है बच्चों वाला हरकत जो आप मेरे को सुना रहे हो तो डॉक्टर अनाया के बाद उनके ऑफिसर कसी से सस्ते हुए बोलती है आप चुप रहो ऐसे बोल के ये सौरभ के पास और उन बाकी के बंदों के पास जाती है तो देखते हैं कि उनके पूरे फेस से यार बहुत गंदे तरीके से ब्लड निकल रहा था इतना उन्होंने धोया था इन तीनों को तो जो डॉक्टर अनाया थी इन तीनों का मतलब एक बार जायजा लेती है, मतलब चेक करती है और इन सभी का जो आ, वो था ना मतलब रस्से इन्होंने बांध रखा था उसे ओपन कर दिया जिसकी वजह से वो लोग थोड़ा कराह करहाने लगते हैं उनके मुंह पे पट्टी भी डली थी जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे पा रहे होते हैं लेकिन जब डॉक्टर अनाया उन पट्टी को ओपन करते हैं तो वो लोग जो है करहाने लगते हैं बहुत गंदे तरीके से जो है पीटा गया था जिसकी वजह से वो बहुत ही गंदे तरीके से रो रहे होते हैं और हालत खराब हो रहा था लेकिन सौरभ अभी भी जस का माल तस पड़ा था उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसे कितना मारा गया तो ऑफिस से से बोलते कैसे है कैसे सौरभ तो सौरभ जो है सल्यूट मारता है और बोलता है सॉरी सॉरी आई एम सॉरी एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि ये सब होगा और मैंने तो पूरा तैयारी कर लिया था बट वो लोग कैसे हमारे घर पे पहुंच गए मुझे भी नहीं पता था चिप आई एम सॉरी ऐसे बोल के वो ऑफिसर कशिश को सॉरी बोल रहा था तो ऑफिसर कशिश बोलती है इट्स ओके okay. पहले बताओ तुम कैसे हो तो बोलता है मैं ठीक हूँ चिप मैं मैं ठीक हूँ आप मेरी चिंता मत करिए एक्चुअली uh, मुझे सॉरी तो बोलना चाहिए एंड सॉरी इन दोनों को भी बोलना चाहिए कि मेरी वजह से सब हो गया तो जो दो बंदे थे ना जो बॉडी बिल्डर जैसे थे लेकिन जब देखते हैं कि सौरभ उनको सॉरी बोल रहा है देन उससे मतलब उन दोनों बॉडी बिल्डर से हल्का है मीन्स कि वो थोड़ा सा दिखने से, से कमज़ोर जैसा है है हैंडसम वगैरह तो है लेकिन कमज़ोर जैसा दिखता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा तो इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ा ये सोच के वो दोनों भी एकदम खड़े हो जाते हैं खड़े होने के बाद बोलते हैं हाँ इट्स ओके भाई कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे पता है कि तुम्हारी गलती नहीं है ये लोग ऐसे ही करते हैं अचानक से किसी भी जगह पे हमला कर देते हैं जिसकी वजह से किसी को सोचने और समझने की बिल्कुल भी एबिलिटी भी हो जाती है ऐसे बोल के वो बंदा बोल रहा होता है तो ऑफिसर कसी बोलती है सौरभ तुम इन दोनों को लेकर के यहाँ से निकल जाओ तो बोलता है बट मैं आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ तो सामने से ऑफिसर कसी गुस्से से, से बोलती है मैंने कहा यहाँ से निकल जाओ यहाँ पे कुछ टाइम के बाद हमारे बाकी ऑफिसर आ जाएंगे उससे पहले मुझे यहाँ का थोड़ा सा जायजा लेना है और उस इंसान को छोड़ निकलवाना है उसके चंगुल से ऐसे बोल के जो है कुछ सोचने लगती है तभी वो बंदा बोलता है आपने क्या बोला उस लड़की को तो वो सामने से बोलती है हाँ, एक लड़की है उसके साथ तुम बता सकते हो कि वो लड़की है कौन तो सामने से रॉबर्ट जो रहता है बोलता है मैम उसके बारे में तो इतना पता नहीं है लेकिन जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग ये बंदी एक गैंगस्टर की मतलब बेटी है जिसको इसने अपने कब्जे कर रखा है अब मुझे पता नहीं है ये सब कैसे हुआ क्या हुआ और ये कैसे गैंगस्टर बना लेकिन इसकी पहुंच बहुत आगे तक है ऐसे बोल के वो बंदा जो है किसी को बता रहा था तो अभी कशिश अपना सर हाँ ही है और बोलती है यहाँ से खिड़की से निकल जाओ यहाँ से तुम्हें कोई नहीं देखेगा और पूरा क्लियर है ओके ऐसे बोल के उन्हें खिड़की से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं देन डॉक्टर अनाया बोलती है अब हमें कहाँ जाना चाहिए तो बोलती है हमें कहीं नहीं बस हमें उस लड़की को छुड़वाना है एंड तुम्हें पता ही है कि वो लड़की हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है तो सामने से डॉक्टर अनाया जो रहती है अपना सर हाँ हिलाती है सा Uh, सर हाँ में और दिखते हैं कि उस लड़की लड़की को तो वहां पे वो लड़की दिखाई नहीं दे रही थी तभी हमारी डॉक्टर अनाया की नजर उस uh, मतलब गैंगस्टर के पैरों के नीचे पड़ता है जिसमें वो लड़की जो रहती है ना पूरी तरीके से गंदे हालत में वहां पड़ी थी उसके पूरे फेस में मतलब दाग धप्पे जैसे मतलब मारने के निशान थे यार पूरा फेस रेड हो गया था देन उसके फेस से ब्लड भी आ रहा था उसके नेक के पास बाइट के निशान थे और बहुत ज्यादा मार के भी निशान थे जैसे चाबुक आप लोगों को पता ही होगा चाबुक का निशान वहाँ पे पड़ा था जिसको देख करके डॉक्टर आया तो कुछ टाइम के लिए सॉफ्ट ही रह गई थी वो कुछ नहीं बोल पा रही होती है तभी वो जो लड़की रहती है अपना सर ऊपर करने का ट्राई करती है लेकिन तभी वो गैंगस्टर रहता है वो उसके सर को फिर से जमीन के नीचे दबाने का ट्राई कर रहा देता है जिसकी वजह से वो लड़की कुछ भी नहीं कर पा रही होती है वो बस गैंगस्टर जो रहता है वो बोलता है तुम मेरी बस एक पैट हो तो यहाँ पे चुपचाप पड़ी रहो आई बात समझ में ऐसे के उसे और जोर से खूनता है जिसकी वजह से वो लड़की जो है पूरी तरीके से उसका जो बॉडी था ना पेन तो पहले ही से ही था लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकलने स्टार्ट हो जाता है कि मैं ये कहाँ फंस गई ऐसे बोलकर लड़की पूरी तरीके से उसका मतलब हालत ही खराब था तभी जो हमारी ऑफिसर कशिश रहती है बोलती है हमें इसे कैसे भी करके इस लड़के को छुड़वाना है तो अब कैसे छुड़वाएं तुम बताओ तो डॉक्टर अनाया बोलती है मुझे क्या पता मैं कैसे करूं आप हाँ, ऑफिसर हो मैं तो नहीं हूं मुझे बस इंसान का कट कर, कर फिट करने को आता है चिथड़े को जोड़ने में इंट, इंटरेस्टेड हूँ पर किसी इंसान के मेंटली तरीके से उसके दिमाग को पढ़ने का मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं है ऐसे बोल के जो डॉक्टर अनाया रहती है वो ऑफिसर कशिश को बोल रही होती है ऑफिस कसिस बोलते हैं ओके फाइन बट हमें इस लड़की को बचाएंगे कैसे हम इस लड़की को तो सामने से डॉक्टर अनाया बोलते हैं डोंट वरी ये लोग कभी ना कभी तो उस लड़की को अकेला छोड़ेंगे फिर हमें एक मौका मिलेगा ऐसे बोल के डॉक्टर अनाया और ऑफिसर कसिस एक दूसरे के साइड इशारा करते हैं और वहाँ से उस लड़की को नजर रखने के लिए चले जाते हैं देन ऐसे ही होता है कुछ टाइम के बाद जो गैंगस्टर रहता है वो अपने रूम के साइड जाते हुए बोलता है तुम यहीं पे रहो आई बात समझ में मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ ऐसे बोल के वो गैंगस्टर जो है सीधा अपने वाशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए देन वो लड़की जो थी वो जमीन पर पूरी तरीके से लेट जाती है ताकि उसे पेन ना हो देन वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेन में थी उसके बॉडी पे इतना माहर का निशान था ना पूरे चाबुक का निशान था जिसकी वजह से जिस जगह पर चाबुक पड़ा था वहाँ पर पूरी तरीके से रेड रेड था उसे करके डॉक्टर अनाया पूरी तरीके से सॉफ्ट होते हुए बोलती बोलती है 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 ये ये लोगों ने इसका क्या हालत कर दिया तो कसिस बोलती है, आ, बट ये तो है ना। तो बट ठीक ना सामने से डॉक्टर अनाया बोलती है हाँ ठीक तो है बट पता नहीं कितने टाइम तक तो ऑफिसर कैसे बोलते हैं ओके फाइन हम इसे कैसे ले जाए तो बंदी बोलते मुझे भी नहीं पता मैं कैसे ले जाऊं बट ट्राई करने में क्या जाता है ऐसे बोल के आगे पीछे देखने लगते हैं ताकि वहाँ पे कोई बंदा ना हो जिसकी वजह से इनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इनके आ, मतलब अप डाउन के बीच ऐसे बोल के आगे पीछे देखने लगते हैं और एंड इनकी से भी ये समझो कि उनको कोई बंदा दिखाई नहीं देता है जिसकी वजह से डॉक्टर अनाया जो रहती है वो बोलती है चलें तो ऑफिसर गस्सी सुख उसका हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं हाँ चलो ऐसे बोल के दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ करके उस लड़के के पास जाते हैं वो लड़की वैसे ही लेटी थी तो क्या करते हैं उसके गले का पट्टा ओपन करते हैं पहले इस चीज़ से उस लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था मतलब ऐसा था कि वो पेनलेस थी या समझो कुछ और बट मतलब वो पूरी तरीके से मतलब शांत ही पड़ी थी उसे कोई कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था किसी भी चीज़ का तो डॉक्टर अनाया उस लड़की का हाथ पकड़ के उठाती है और अविसा कसी से, से बोलती है चलो अब हमारे साथ ऐसे बोल के उस लड़की को अपने साथ एक रूम के सेट ले चलते हैं उन्होंने ये रूम पहले आते वक्त देखे थे जहाँ पे पूरी तरीके से कबाड़ खाना था जस्ट कि कबाड़ का सामान वहाँ पे रखा गया था तो उनको पता था कि यहाँ पे कोई आएगा नहीं ऐसे बोल के उस लड़की को वहाँ पर ले जाया जाता है और वहाँ पर ले जाने के बाद डोर को अंदर से बंद किया जाता है लॉक किया जाता है और उस लड़की वहां पर लेट आते हुए जो डॉक्टर अनाया रहती है वो बोलते हैं आखिर इसके साथ हुआ क्या था और ये है कौन तो ऑफिसर कैसे बोलती है मुझे क्या पता आप मुझसे मुझसे कैसे पूछ सकते हो जिसको इस चीज के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो डॉक्टर अनाया बोलती है ओके okay, बाबा मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ बट मेरे अंदर ये सवाल था तो ऑफिसर कैसे से बोलते हैं मेरे अंदर भी है रुको इनको होश आने दो फिर हम तो ऐसे बोल के उनके फेस के साइड उन दोनों की नजर गड़ जाती है जबकि उनको पता लगाना था कि है कौन कहां से आई है और इसके मतलब इस तरीके से गुलामी करने के पीछे की वजह क्या है कुछ टाइम के बाद उस लड़की को होश आ जाता है होश आते ही उन दोनों को देखकर टोटली सॉफ्ट हो जाता है सॉरी सॉफ्ट हो जाती है और बोलती है आप दोनों हो कौन तो डॉक्टर अनाया बोलती है इट्स hey, ओके okay. uh, मैं डॉक्टर अनाया हूँ और ये कशिश है तो सामने से बोलते हैं अह तुम 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 दोनों को क्या चाहिए तो सामने से ऑफिसर कसी बोलती बोलते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए बस मुझे ये जानना है कि आप दिखने से इतने प्यारे होते हैं इस इंसान के कब्जे में कैसे हो तो ऐसे बोल के उस लड़की से बात करने का ट्राई कर रहे होते हैं लेकिन वो लड़की बोलती तुम ही इससे क्या है मैं किसी से भी बात करूं किसी से भी कुछ करूं तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है ऐसे वो लड़की थोड़ा सा चिढ़ के बोलती है जिससे डॉक्टर अनाया को तो गुस्सा आता है कि यार ऑफिसर कशिश से इस तरीके से बात करने की इसकी हिमाकत कैसी हुई लेकिन ये खुद के ऊपर कंट्रोल करती है देन डॉक्टर अनाया जो रहती है ऑफिसर कशिश के साथ देख रही होती है ऑफिसर कशिश जो है उस लड़की को कंटिन्यूसली संभाल रही होती है समझा रही होती है और बोल रही होती है देखो अगर तुमने सब कुछ सच सच बताया तो हो सकता है कि हम तुम्हारी हेल्प कर सकें तो लड़की बोलती है मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है वैसे भी मैं तुम्हारी हेल्प ले लूं और खुद फांसी पे लटक जाऊं ऐसे तुम पागल समझ के रखे हो कोई क्या इंसान खुद खुशी के लिए खुद अपने पास आते हुए जो मर्डरर है उसे छुटकर भागेगा या फिर वहीं पे खड़े रहेगा तो डॉक्टर अनाया थोड़ा सा सॉफ्ट होते हुए बोलते है इसका क्या मतलब है तो बोलती है कोई नहीं आप जल्दी समझ जाओगी इसका मतलब क्या है ऐसे बोल के वो लड़की जो है वहीं पे अपनी आइज क्लोज करके लेट जाती है देन जो डॉक्टर है ऑफिसर कशीस रहते हैं एक दूसरे के साइड देखते हैं और वो आसपास देखने लगते हैं कि ताकि यहाँ से वो निकल सके और उनको सडन बाहर नजर आता है कि कुछ गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हो रही हैं लाइन से जो कि उनके घर से जहाँ पे उनका पैलेस था उससे करीबन पाँच मिनट की दूरी या फिर तीन दो मिनट की दूरी पे उन्होंने कार पार्क किया था वहाँ पे आने के बाद जो लड़की थी ना वो बोलती है कि तुम लोग मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो तो सामने से जो डॉक्टर अनाया पीछे अटन होते हुए बोलती है तुम यहाँ पे चुपचाप बैठो प्लीज अभी हमें तुमसे कोई भी बात नहीं करना देन बहस भी नहीं करना है तो शांति से यहाँ पे बैठे रहो तो डॉक्टर अनाया की बात सुन के वो लड़की चुप हो जाती है देन ऑफिस कसी जो है उस सारी चीजों के ऊपर नजर रख रही होती है देन कुछ टाइम के बाद वो लोग अंदर आने का ट्राई कर रहे होते हैं डॉक्टर अनाया रहती है वो बोलती है क्या हो? वो वो लो लोग आ गए तो अभी सर ऑफ़िसर से बोलते हैं हाँ आ गए अभी हमें यहाँ से आराम से निकलना होगा और इस लड़की को मैं आपके सहारे छोड़ के जा रही हूँ तो आप इसका ध्यान रखिए और खुद का भी ऐसे बोल के जो ऑफिसर कशिश रहती है वहाँ से निकल जाती है डॉक्टर अनाया बोलती है प्लीज़ मत जाओ तो बोलती है नहीं मुझे जाना होगा ऐसे बोल के वहाँ से निकल जाती है वहाँ से निकलने के बाद जो गैंगस्टर था ना जो फ्रेश होने के लिए अंदर गया था वो बाहर आकर उस लड़की को देखने लगता है और बोलता है पेट तुम कहाँ हो मेरे इजाजत के बिना तुम कहाँ गई ऐसे बोलकर वो बंदा जो है इधर उधर देखने लगता है तभी उसकी नजर ऑफिसर कशिश के ऊपर पड़ती है ऑफिसर कशिश को देखकर वो बंदा हैरान होते हुए बोलता है अच्छा तो तुम हुई इन सबके पीछे तो ऑफिसर कशिश हंसते हुए बोलती है हुँ, मैं हूँ अब तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा ऐसे बोल के ऑफिसर कशिश उस बंदे के सामने मतलब उस मास्टर जो गैंग गैंगस्टर जो था ना उसके पास चली जाती है और उससे फाइट करने स्टार्ट कर देती है इनके बीच एक गंदा वाला फाइट होता है इसी बीच ऑफिसर कशिश की नज़र पड़ती है डॉक्टर अनाया के ऊपर डॉक्टर अनाया भी उनके पीछे आ जाती है और भी फाइट को ज्वाइन करती है और फाइट करने लगते हैं इनके बीच ये दोनों मिलकर उस गैंगस्टर को कई टक्कर दे रहे थे लेकिन इसी बीच उस गैंगस्टर के हाथ में एक चाकू आ जाता है जिससे वो डॉक्टर अनाया के ऊपर वार कर देता है लेकिन बीच में ऑफिसर कसिस आ जाती है सो गाइस देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है आप जानेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में सो आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा एंड लाइव की बात आए तो मैं कल हो सके तो मैं आऊंगी नाइन ओ क्लॉक आऊंगी ज्यादा टाइम के लिए तो नहीं आ पाऊंगी बट कल नाइन ओ क्लॉक आऊंगी सो so गाइस कल मिलते हैं लाइव में देन स्टोरी कैसे लगी प्लीज कमेंट में बताइएगा एंड इस ठंड के मौसम पे हाय अपनी लाइफ इंजॉय करिए ओके यू सो मच लव ऑल अपना ध्यान रखिए और प्लीज